कंप्यूटर साइंस, आप सभी दर्शकों का माइंड योर साइंस चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। और आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं, ये हमारी जो वीडियो है वो NDRI की मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। NDRI की ये साइट आपके सामने खुली हुई है। और NDRI की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ही पुरानी इंस्टीट्यूट है ये। डीम यूनिवर्सिटी में इसका परिवर्तन कर दिया गया था 1989 के अंदर। अपनी ये खुद अब डिग्री देता है। ICAR न्यू दिल्ली के अंडर ये आती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। करनाल में ये स्थित है। करनाल हमारा करण नगरी के नाम से, महाभारत में फेमस करण जी थे हमारे, उनके नाम पर ये शहर बसा हुआ। और हरियाणा में ये स्थित है, लगभग दिल्ली से 120 किलोमीटर दूरी पे है। ये तो इसका मैंने ज्योग्राफिकल एरिया दिया। इसमें आप चार कोर्सेज आपको नज़र आएंगे। पहला है कॉमर्स, दूसरा है इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट, चौथा है मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, और फोर्थ इज साइंस। मैं भी बड़ा हैरान था जब ये वीडियो बनाने लगा, कॉमर्स का लिंक टेक्नोलॉजी के साथ कैसे है। तो मैंने देखा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है, MSc डेयरी इकोनॉमिक्स 2 ईयर का कोर्स है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी मुझे मिली जो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट और साइंस में एक ही कोर्स है, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी। और इसके बाद आप आ जाएं, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और उसके बाद मेडिसिन एंड अप्लाइड साइंस के अंदर टोटल 6 कोर्सेज हैं बेटा। ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, मास्टर डिग्री है, मास्टर इन वेटरनरी साइंस एनिमल बायोकेमिस्ट्री, मास्टर इन वेटरनरी साइंस एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर इन वेटरनरी साइंस एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, मास्टर इन वेटरनरी साइंस एनिमल न्यूट्रिशन, मास्टर इन वेटरनरी साइंस एनिमल फिजियोलॉजी, एंड लास्ट इज मास्टर डिग्री इन वेटरनरी साइंस एनिमल रिप्रोडक्शन गायनोकोलॉजी नोपोस्टिक। तो ये हमारे 2 ईयर कोर्सेज हैं मीटर। और साइंस में सेम ही है, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी, जो कि एक बहुत मशहूर है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी दे देता हूँ कि अभी इसका जो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे मैंने अभी क्लिक किया है, अभी इसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है एडमिशन की। बट जो BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, इसका एडमिशन जो है एंट्रेंस के आधार पर ही होता है। ऑल इंडिया लेवल पे इसका एंट्रेंस होता है, अलग अलग सेंटर्स बनते हैं और उनमें से रिगार्डिंग द सीट्स के हिसाब से आपका मेरिट के हिसाब से एडमिशन होता है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख रहे हैं कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी खोली हुई है। इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ एक और साइट पे, जिसके अंदर कुछ आपको जानकारी मिलेगी। ये भी NDRI की ऑफिशियल साइट है, ये ऑफिशियल साइट से ही मैं वीडियो बनाता हूँ कहीं पर, क्योंकि मिस कंसेप्शंस आ जाती हैं। इसमें आप जब करेंगे एंटर, तो यहाँ पर डेयरी टेक्नोलॉजी पे जब एंटर करेंगे तो आपको काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिल जाएगी, जो मैं थोड़ी सी स्क्रीन पे बड़ी करके बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी आप देख रहे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इसके बाद डेफिनेशन है, रिजर्वेशन, एज लिमिट्स हैं, ये सारी बातें आप देख रहे हैं। तो
एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू बी टेक डेयरी टेक्नोलॉजी 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस इंग्लिश 50% मार्क्स होने चाहिए, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप 40% या इक्विवेलेंट चाहिए। बाकी तो एंट्रेंस के आधार पर होता है, ये एंट्रेंस की रैंकिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है और इसके हिसाब से ये मेरिट बनाई जाती है। रिजर्वेशन है इसमें, इसके बाद डेफिनेशन ऑफ फिजिकली हैंडीकैप है, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ऑल द इंडिया बेसिस पे इसका होता है, ICR इसको कंडक्ट करती है, और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट जो है 17 साल का होना चाहिए बच्चा जो इसमें एडमिशन लेना चाहता है, और फॉरेन स्टूडेंट्स का भी इसमें सीट्स हैं, वो उनकी फ़ीस इत्यादि वगैरह सब दी हुई है। तो अभी इसकी नोटिफिकेशन नहीं लगी है, मैं आपसे पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, अभी डेट ऑफ नोटिफिकेशन इस साल की नहीं निकली है। जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको उसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उतनी देर में जब ये इस वीडियो को देखें तो ये आप थोड़ा सा स्टडी करके रखें, जो बच्चे इंटरेस्टेड है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने में तो वो इसकी पहले से ही तैयारी रखें अपनी और माइंड बना के रखें, और जैसे ही इसका इंफॉर्मेशन मेरे साथ मुझे मिलेगी तो मैं आपके साथ तुरंत शेयर करूँगा। और इस चैनल का मेन मकसद जो है बच्चों तक राइट इंफॉर्मेशन पहुँचाने का है, जिससे कि वो अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य को लेने के बाद अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर सकें। तो उनका अगर गोल क्लियर होगा और मैं एक गाइडलाइंस के हिसाब से गाइडेंस के हिसाब से उसको बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि अच्छे कोर्सेज में एडमिशन लें, जिससे कि आपका जो भविष्य है वो सुनहरा हो जाए, और अगर आप सफल होते हैं तो आपकी फैमिली सफल हो जाती है। इसी के साथ ही मैं सभी को नमस्कार करता हुआ आज की वीडियो यहीं पर ही क्लोज करता हूँ, और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है और चैनल में कुछ ना कुछ नया करने का मुझे मौका मिलता रहता है। धन्यवाद।